इतना सब सीखने के लिए उपलब्ध है ना कि अब क्या सीखें और कैसे कमाल का सीखें, ये भी अपने आप में एक स्किल बन गया। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि सीखें कैसे। नाउ यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न। YouTube, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स, ट्रेनिंग इवेंट्स, ऑफलाइन मीट, सो मच इज देयर हाउ टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ इट। बट मेरी जानकारी के हिसाब से 6 अलग अलग तरीके मैं जानता हूँ जिससे आप सीख सकते हैं। अगर कोई भी इंसान सीखने की इच्छा रखता है ना, तो मानवता के इतिहास में कुछ भी सीखने के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम माय डियर फ्रेंड्स। इतना कुछ चारों तरफ अवेलेबल है ना, आप खाली सीखने की नियत रखने चाहिए। सिखाने वाले और सीखने वाला मटेरियल, इन दोनों की बहुतायत है, अबंडेंस है। जब मैं कॉलेज में था ना, तो हमारे पास 3 ऑप्शन थे, किताबें पढ़ लो, कॉलेज में क्लासेस लगा लो, या फिर ट्यूशंस लगा लीजिए। बट राइट नाउ, नाउ इफ यू लुक एट इट, टाइम हैज चेंज सो मच। यूट्यूब से लेके, किताबों से लेके, ऑनलाइन वीडियोस, मास्टर क्लासेस, सोशल मीडिया ग्रुप्स, दिस एंड दैट, सो मच हैज ऑलरेडी हैपेंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो डूइंग सो मच कि आपके पास अब सिखाने वालों की और सीखने के लिए मटेरियल की कमी नहीं है। और एक और कमाल की शिफ्ट हुई है पिछले कुछ सालों में, विच इज रियली गुड, दैट इज सेल्फ एजुकेशन। सेल्फ एजुकेशन, लोगों ने अपनी एजुकेशन की जिम्मेवारी अपने कंधों पे ले ली है, ना कि अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कंपनी या फिर किसी और संस्थान पे। लोग ये समझने लगे हैं, फॉर्मल एजुकेशन जो भी हो रही है वो होने दो, लेकिन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन एजुकेशन। और ये सबसे बड़ा बदलाव है, सबसे बड़ी शिफ्ट है। लेकिन जिंदगी में कोई भी चीज़ जब आती है ना, तो उसके कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव भी होते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम आजकल क्या होने लगी है, इतना सब सीखने के लिए उपलब्ध है ना कि अब क्या सीखें और कैसे कमाल का सीखें, ये भी अपने आप में एक स्किल बन गया। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि सीखें कैसे। नाउ यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न। YouTube, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स, ट्रेनिंग इवेंट्स, ऑफलाइन मीट, सो मच इज देयर हाउ टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ इट। एक्चुअली राइट नाउ देयर आर 6 डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। मुझे नहीं मालूम आपको कितने तरीके मालूम हैं सीखने के, बट मेरी जानकारी के हिसाब से 6 अलग अलग तरीके मैं जानता हूँ जिससे आप सीख सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में जब मैं आपको ये 6 के 6 तरीके बता लूंगा, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न अमंग दिस 6 ऑल्सो। आप चाहें तो इनमें से एक एक करके एक एक को यूज कर सकते हैं, या फिर आप 2, 3 या 4 का कॉम्बिनेशन बनाकर भी अपनी सीखने की कला को डेवलप कर सकते हैं। अल्टीमेटली उद्देश्य पता क्या है, यू शुड लर्न मोर, यू शुड रिटेन मोर, यू शुड अप्लाई मोर, यू शुड अर्न मोर, राइट। तो इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है, आप ज्यादा सीखें, सीखने के बाद ज्यादा को रिटेन कर पाएं, वो आपके काम भी आए, तीसरा आप उसे यूज कर पाएं, अप्लाई करें, और चौथा वो भी आप सीखें, वो आपकी इनकम बढ़ाने में मदद करना चाहिए। सो इफ यू वांट टू लर्न मोर, रिटेन मोर, अप्लाई मोर, अर्न मोर, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में लास्ट तक आप 6 के 6 वेज को समझिएगा, और लास्ट में जो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन देने वाला हूँ जीतने के लिए, मैक्सिमम सीखने के लिए, उसको भी आप ठीक से सीखिएगा, और मुझे कॉमेंट करके वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा कि 6 में से कौन सा तरीका आपको सबसे बेमिसाल लगा सीखने के लिए। एक बेमिसाल कमाल का तरीका है जिसे बोलते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग, पिछले करीब 7-8 सालों से मैं मॉडलिंग के अलग अलग पहलू समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बैंकॉक गया इसको सीखने के लिए, इंडिया में मैंने बहुत सीखा है, उसके बाद मैं पोर्चुगल गया, एंड वेरी सून आई विल बी गोइंग टू लंदन जैसे ये कोविड खत्म हो जाता है, टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन लर्न फास्टर। 1 साल का सीखना 1 महीने में कैसे किया जाए। और उन सब चीज़ों में सबसे कमाल की जो टेक्निक है ना, उसे बोलते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होती है, अब मॉडलिंग एक होती है रैंप वॉक पे मॉडलिंग, मैं उस मॉडलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मॉडलिंग बोले तो जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं और जिनसे आप सीखना चाहते हैं, आप अपने अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करें, और आप जैसे वो कर रहे हैं आप वो करना शुरू करें। जिस तरह से वो चलते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो बैठते हैं, जिस तरह से उनकी बॉडी की मूवमेंट होती हैं, आप वो सब करना शुरू करिए और आप कमाल का सीखेंगे, राइट। आप स्विमिंग सीख सकते हैं एक स्विमिंग के कोच से, आप पियानो बजाना सीख सकते हैं पियानो के कोच से, लेकिन आप जो सीखेंगे इंटेलेक्चुअली उसके साथ साथ मॉडल करना शुरू करिए। उनको देखना, क्लीनली देखना, ऑब्जर्व करना, और अपनी बॉडी में वैसे सेम मूवमेंट्स करना जैसे वो कर रहे हैं, यू विल लर्न रियली रियली फास्ट। जब जब आप अपने गुरु, अपने मेंटोर या जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं उनके पास हों, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दे दीजिए, चुपके से कह दीजिए, अगले कुछ पलों में मैं इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ, इसको पूरी तरह से कॉपी करना चाहता हूँ, और इनको ठीक से सीखना चाहता हूँ।
आप जो भी सीखेंगे उसकी क्वालिटी में निखार आएगा कमाल का, और आप बहुत जल्दी सीखेंगे। और ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, आसानी से धीरे धीरे जो सीख रहे हैं सीखते रहिए, लेकिन जिनके जैसे आप बनना चाहते हैं, जो आपके रोल मॉडल्स हैं, उनको देखकर उनके जैसे एक्ट करना शुरू करिए, बॉडी मूवमेंट्स करना शुरू करिए, आपकी लर्निंग कई गुना बढ़ जाएगी और आप एक साल वाला काम शायद 3 महीने में सीख जाएंगे। दूसरा तरीका सीखने का होता है स्टडिंग। स्टडिंग एक होता है बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, आई एम सेइंग स्टडिंग एनीथिंग, राइट, किसी भी चीज़ के बारे में गहन अध्ययन करना। कैसे सीख सकते हैं आप, स्टडी कैसे करते हैं आप? लिसनिंग रीडिंग वॉचिंग, लिसनिंग रीडिंग वॉचिंग। आपके टीचर क्लास में बोल रहे होते हैं तो आप उनकी बातें सुन के सीख जाते हैं, बहुत सारी बातें आपके पेरेंट्स ने बोली और आपने वो सुन ली, तो लिसनिंग से हम बहुत कुछ सीखते हैं। पॉडकास्ट वगैरह से आप सीख सकते हैं, रीडिंग किताबें पढ़ के कोर्स मटेरियल पढ़कर आप सीख सकते हैं, वॉचिंग राइट, यूट्यूब पे आप वीडियोज़ देखते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स के वीडियोज़ देखते हैं। तो स्टडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रिटिकल वे ऑफ लर्निंग एनीथिंग। तो पहला हुआ मॉडलिंग, दूसरा हुआ स्टडिंग, मैं 4 और आपको बताने वाला हूँ। 6 की 6 को आप ध्यान से समझिएगा, और अगर आप ठीक से समझ गए और मेरी बातों को आपने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, आपकी लर्निंग कई गुना बढ़ने लग जाएगी अभी के अभी, साथ के साथ। तीसरी तरीका जिससे हम सीखते हैं, दैट इज एनालाइजिंग। एनालाइजिंग आपकी जिंदगी में कुछ हुआ, आपने किसी के साथ कुछ होते हुए देखा, आपने कुछ किताबों में पढ़ा, आपके प्रोफेसर्स ने कुछ बताया, आपके टीचर्स ने, आपके दोस्तों ने, आपके मेंटोर ने कुछ बताया, यू लर्न बेटर एंड यू रिटेन मोर व्हेन यू एनालाइज थिंग्स। आप अकेले बैठकर कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, राइट, सोच सकते हैं, अरे ये ऐसा क्यों होता है, अच्छा उसने ऐसा क्यों कहा, इसकी और क्या क्या मतलब हो सकते हैं, ये ऐसे क्यों था, वैसे क्यों था, उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, राइट। जब आप चिंतन करेंगे तो चीज़ें डीपली आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों तक पहुँच जाएंगी। चौथा तरीका ये बेमिसाल है, जब भी आप कुछ सीखना चाहें, डिस्कसिंग विद क्लोज ग्रुप। डिस्कसिंग विद क्लोज ग्रुप, जो भी आप सीखें अपने क्लोज ग्रुप, वो लोग जो आपके आसपास रहते हैं, जिनके आसपास आप रहते हैं, उनके साथ में डिस्कस कर लीजिए। एक बार अगर आपने कोई भी चीज़ सीखी और वो अपने ग्रुप के साथ में शेयर कर दी, या उनके साथ में आपने डिस्कशन कर लिया, मैंने आज ये पॉइंट सीखा, आपकी क्या राय है, वो कुछ बताएंगे, आप कुछ बताओगे, आपस में डिस्कशन होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, कमाल की चीज़ें निकल के बाहर आएंगी और वो चीज़ें हमेशा यहाँ रह जाएंगी। मेरे दोस्त, जिंदगी में कितने भी नोट्स बना लो, लेकिन जब फील्ड में हो, जब मैदान में हो, उस दिन नोट्स काम नहीं आएंगे, जो अंदर है ना वो काम आएगा, राइट। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन यू डिस्कस व्हाटएवर यू लर्न, योर लर्निंग इज एम्पलीफाइड, कई गुना बढ़ जाती है। 5वां तरीका, ये मेरा हॉट फेवरेट है, तो इन 4 तरीकों से आप सीखिए, लेकिन ये सीखना आपका तब बनेगा जब आप करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड डूइंग। स्विमिंग की कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, स्विमिंग के बारे में आप कितना भी चर्चा कर लीजिए, कितना भी एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन स्विमिंग कब आएगी, जब आप करेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं सेल्स क्लोजिंग कैसे इंप्रूव करूं, लोग मुझसे पूछते हैं मुझे प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने में डर लगता है क्या करूं, इन सब सवालों के जवाब पता क्या है, मॉडलिंग से सीखो, स्टडिंग से सीखो, एनालाइजिंग से सीखो, डिस्कसिंग से सीखो, लेकिन उसके साथ साथ 5वां काम बहुत जरूरी है, दैट इज यू नीड टू गेट ऑनटू इट एंड यू नीड टू मेक इट हैपन, यू नीड टू एक्चुअली डू इट। सो करिए, करने से आप कमाल की परमानेंट लर्निंग्स निकाल पाएंगे, राइट। व्हाटएवर यू डू विद योर हैंड यू नेवर फॉरगेट इट। स्कूल में भी हमने बहुत सारी चीज़ें साइंस में पढ़ी, लेकिन साइंस में जो चीज़ें हमने एक्सपेरिमेंट कर ली वो चीज़ें हमेशा के लिए हमारी हो गई। सो डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 6 वेरी वेरी पावरफुल इज टीचिंग। टीच व्हाट यू हैव लर्नड। तो जो जो आपने सीखा किसी ना किसी को पढ़ा दीजिए। तो टीचिंग के लिए आपको टीचर बनने की ज़रूरत नहीं है, टीचिंग इज ऑल्सो इन ए वे कॉल्ड शेयरिंग। तो जो जो भी आप जहाँ से भी सीख रहे हैं, सीखने के बाद आप किसी ना किसी को उसे ज़रूर सिखा दीजिए। हो सकता है अपने बच्चों को, हो सकता है हस्बैंड को, वाइफ को, मम्मी को, पापा को, ब्रदर, सिस्टर, एनीबडी, योर फ्रेंड्स, योर टीममेट्स, अपलाइंस, डाउनलाइंस, एनीबडी फॉर दैट मैटर। व्हेन यू टीच समथिंग इट बिकम्स योर ओन, लाइक टीचिंग गिव्स यू अ डिफरेंट लेवल ऑफ मास्टरी ऑल टुगेदर। अब 6 मैंने बता दिए, 6 में से बेस्ट कौन सा है? मॉडलिंग, स्टडिंग, एनालाइजिंग, डिस्कसिंग, डूइंग, टीचिंग। मेरी समझ के हिसाब से आप एक कॉम्बिनेशन यूज करिए, स्टडी करिए, डिस्कस करिए एंड डू करिए। स्टडी, डिस्कस एंड डूइंग, चीज़ों को समझिए, ज्ञान लीजिए, आसपास में डिस्कस करिए, आपको जो अच्छा लगे, जो आपने फाइनल कर लिया, आप उसके बाद उसको काम पे लगा दीजिए, लाइक गेट इनटू एक्शन। सो व्हेन यू डू स्टडी, डिस्कस एंड डू, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, यू कैन डू फिनोमिनल फिनोमिनल लर्निंग। और आप जनरली सीखने के लिए कहाँ जाते हैं? ट्रेनिंग इवेंट्स में जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इवेंट्स में हो क्या रहा होता है, एक इंसान होता है जो बात कर रहा होता है, बाकी लोग सुन रहे होते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 3 दिन का प्रोग्राम होता है और वो खत्म हो जाता है। मेरी समझ के हिसाब से आपको उस तरह के ट्रेनिंग्स में जाना चाहिए जिसमें
इन 6 में से कम 3 या 4 तरीके यूज हो रहे हों। वहाँ पे स्टडिंग भी हो रहा है, डिस्कसिंग भी हो रहा है, थोड़ा बहुत डूइंग भी हो रहा है, थोड़ा बहुत मॉडलिंग का भी आपको अवसर मिल रहा है, एनालिसिस भी चल रहा है, राइट। ये एक अलग तरह का नया ट्रेनिंग स्टाइल है। आई एम एन इंटरनेशनल एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर और पिछले करीब 6-7 सालों से आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एनएलपी और मैंने एनएलपी सीखा है उस इंसान से जिसने एनएलपी के जो फाउंडर हैं जॉन ग्रिंडर, राइट। और हम सारे इंटरनेशनल एनएलपी प्रैक्टिशनर्स जब भी हम लोग मिलते हैं दुनिया में कहीं पे भी, राइट, यूएस हो, यूरोप हो, जब भी हम मिलते हैं वी कीप ऑन फाइंडिंग आउट हाउ वी कैन मेक ट्रेनिंग मोर इफेक्टिव। क्योंकि ट्रेनिंग तब कंप्लीट नहीं होती जब मैंने बोलना बंद कर दिया, ट्रेनिंग तब कंप्लीट होती है जब आपको बात समझ आ गई और आप वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। और आप ज़िंदगी में कहीं भी हो ना मेरे दोस्त, आपकी उम्र कितनी है, आपका पैकेज कितना है, इनकम कितनी है, रैंक कितना है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, ट्रेनिंग नेवर स्टॉप्स। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग विद मी इन दिस वंडरफुल वीडियो अबाउट हाउ टू लर्न 6 डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। अब मुझे मालूम है आप में से अधिकांश लोग मुझसे अगला सवाल क्या पूछेंगे, सर ये तो आपने बोल दिया कि ऐसे किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करो जिसमें इन 6 में से 3, 4, 5 हों, लेकिन क्या सच में ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं जिसमें मॉडलिंग, स्टडिंग, एनालाइजिंग, डिस्कसिंग, डूइंग और टीचिंग इन 6 का कॉम्बिनेशन हो सकता है? यस, ऐसे इवेंट होते हैं। 2 चॉइस हैं, या तो तुम ढूंढ लो ऐसे किसी इवेंट को, अगर नहीं है तुम्हारे पास तो फिर एक बार UCY में आ जाओ। UCY क्या है? Unleash the champion in you। UCY अपनी तरह का पहला और अनूठा और सबसे बड़ा टोटल पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट है जो दिल्ली में होने वाला है लाइव। जी हाँ, दिल्ली में एक बड़े स्टेडियम में हजारों लोगों के साथ आपको सीखने का मौका मिलेगा। इन 6 के 6 मेथोडोलॉजीज को उस एक इवेंट के अंदर में यूज किया जाएगा। इवेंट का नाम है UCY Unleash the Champion in You। होने वाला है 11, 12, 13 मार्च 2022 को, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 90% टिकट्स बुक हो चुकी हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं और अभी तक आपने UCY का टिकट बुक नहीं किया, देन क्लिक ऑन द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन एंड बुक योर सीट्स, बिकॉज सीट्स विल बी ओवर वेरी सून। कमाल का एक अवसर है जिसमें आप मुझसे सीखेंगे और मेरे साथ कुछ और कमाल के ट्रेनर्स होंगे और हम लोग मिलकर 3 दिन लगातार सुबह से शाम साथ में काम करेंगे। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं तो डायरेक्ट सेलर को 30 चीज़ें खास जानने की ज़रूरत है और 30 की 30 हम इससे एक सिंगल इवेंट में कवर करेंगे। 100 से ज़्यादा पेजेस की तो वर्कबुक आपको मिलेगी। अगर आप एक A4 साइज के प्रिंटआउट को लेते हैं तो 5 रुपए का एक होता है। अगर 120 पेज की वर्कबुक है, उस वर्कबुक के सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटआउट्स अगर आप लेने जाएंगे ना, 600 रुपए के पड़ेंगे आपको, राइट। 100+ पेजेस की वर्कबुक आपको मिलती है जिसपे 3 दिन आप अपनी लाइफ और बिजनेस के सारे गोल्स के बारे में काम करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आप इंस्टॉल करा के आएंगे अच्छी चीज़ों को जो हमेशा आपके साथ में रहेंगी। स्टेज पे जो लोग आने वाले हैं उनका अगर आप कंबाइंड एक्सपीरियंस देखेंगे तो 100 से ज़्यादा सालों का कंबाइंड एक्सपीरियंस है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑलरेडी कमा चुके हैं। इट्स गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग, इनक्रेडिबल। लोग ऐसा बोलेंगे कि यार UCY में नहीं आए ना तो ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा, ऐसा इतना बड़ा काम होने वाला है। और पूरी टीम को आप लेकर आइए, माइंडसेट, स्किल सेट, टूल्स, स्ट्रेटजीज, कैपेबिलिटीज, लीडरशिप, इंप्लीमेंटेशन, इमोशनल मास्टरी, एवरीथिंग विल बी कवर। और एक और मजे की बात, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक छत के नीचे होने वाली है। यूनिवर्सल इवेंट, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट कभी प्रमोट नहीं किया जाएगा, राइट। ट्रेनर्स सब अलग अलग कंपनी से होने वाले हैं। थाउजेंड्स ऑफ डायरेक्ट सेलर्स विद एवरी डिफरेंट कंपनी विल बी देयर। नेटवर्क मार्केटिंग का महाकुंभ होने वाला है UCY 2022। अगर आप जानना चाहें इसके बारे में और तो मेरी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर्स नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वेबसाइट नीचे दी गई है। एक क्रांति होने जा रही है, मिस मत करिएगा। 1 साल के बाद दोबारा होगा ये, क्योंकि ये हो रहा है UCY 2022। अगला होगा UCY 2023। इससे पहले आज तक कभी ऐसा पावरफुल इवेंट नहीं हुआ। आप ऐसा बोलेंगे, एक जिंदगी थी UCY से पहले की जिंदगी, एक जिंदगी है UCY के बाद की जिंदगी। इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। सो डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई होप यू विल टेक फुल बेनिफिट ऑफ दिस 6 डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। और आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर करके बताइएगा 6 में से कौन सा तरीका अब आप अपनाने वाले हैं, किस पे आप फोकस करने वाले हैं। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए। कीप शाइनिंग, लव यू गाइस।